हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एनिमल फार्म पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज एनिमल फार्म वाज रिटन इन, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एनिमल फार्म वाज रिटन इन 1944 एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1945। 1944 में लिखा गया था और 1945 में ये पब्लिश हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, बाय हुम वाज एनिमल फॉर्म रिटन, एनिमल फॉर्म किसने लिखा था? एनिमल फॉर्म वाज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। एंड व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल? यू शुड राइट इन कमेंट बॉक्स। व्हिच सीन शोज दैट ऑल ऑफ एनिमल्स आर इक्वल इन एनिमल फॉर्म? कौन सा सीन शो करता है कि सारे जानवर इक्वल है? तो फ्रेंड्स, जिस सीन में एनिमल सॉन्ग ऑफ रिवॉल्यूशन गाते हैं, उस सीन से ये हमें क्लियर होता है कि सारे जानवर इक्वल हैं। अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले मेरा वीडियो एनिमल फॉर्म पर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, जिससे कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने में इजी फील होगा। माय फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू इज Which scene from Animal Farm shows that all of the animal were not equal? किस सीन से हमें पता चलता है कि सारे जानवर इक्वल नहीं थे? And answer is pigs moving into the house. जिस सीन में पिग्स जो है वो हाउस के अंदर जाते हैं, उस सीन से हमें पता चलता है कि सारे जानवर इक्वल नहीं है। Who is the owner of Manor Farm? Manor Farm के ओनर का क्या नाम है? Mr. Jones. एनिमल फॉर्म इज बेस्ड ऑन, नंबर आंसर इज जोसेफ स्टालिन्स बिट्रायल ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। जोसेफ स्टालिन जो कि रशियन रिवॉल्यूशन के हीरो थे, उन्होंने जब रशियन रिवॉल्यूशन रशियन क्रांति को धोखा दिया तो उसके ऊपर जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फॉर्म लिखा। विच करेक्टर इन एनिमल फॉर्म वर्कड टायरलेसली अंटिल ही कुड नो लॉन्गर वर्क? एंड आंसर इज बॉक्सर। बॉक्सर जो कि घोड़ा था, वो एनिमल फार्म में पूरी मेहनत से काम करता है और वो तब तक काम करता है कि जब तक वो और आगे काम नहीं कर सकता है। Which event in Russian history was represented by Mr. Jones being forced off the farm in animal form? कि रशियन हिस्ट्री में किस घटना से को दिखाया गया था जिससे कि मिस्टर जोन्स को एनिमल फार्म को छोड़ना पड़ा? एंड आंसर इज बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति से ये दिखाया गया था। हु वाज फोर्स्ड टू लीव एनिमल फार्म बिकॉज़ ही वाज नेपोलियंस मेन राइवल? नेपोलियन का मुख्य विरोधी होने के कारण किसे एनिमल फार्म छोड़ना पड़ा? एंड आंसर इज स्नोबॉल। विच करेक्टर इन एनिमल फॉर्म वॉज यूज बाई नेपोलियन टू मेक इट साउंड लाइक एवरी थिंग वॉज ऑल राइट? किस करेक्टर का यूज करके नेपोलियन सबको ये दिखाता था कि एनिमल फॉर्म में सब कुछ सही है? एंड आंसर इज क्वेलर। विच करेक्टर इन एनिमल फॉर्म वॉज यूज बाई नेपोलियन टू एनफोर्स हिज रूल्स लॉ ऑन द अदर एनिमल्स? किन करेक्टर का यूज करके नेपोलियन सब पर अपने नियम लगाता था? और वो आंसर था डॉग्स। विच करेक्टर इन एनिमल फार्म डिड ऑल ऑफ द एनिमल लुक अप टू इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवी द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन? किस करेक्टर की तरफ जब मूवी स्टार्ट हुई थी द लीडर ऑफ रिवॉल्यूशन, सभी जानवर किस करेक्टर को आदर्श मानते थे? एंड आंसर इज ओल्ड मेजर। जॉर्ज ऑरवेल कंप्लीटेड एनिमल फार्म ड्यूरिंग विच वर्ल्ड वार? एंड आंसर इज वर्ल्ड वार सेकंड। विच इवेंट डज द बुक एनिमल फार्म रिफ्लेक्ट? आंसर इज रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। जॉर्ज ऑरवेल वाज ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। जॉर्ज ऑरवेल एक प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट समाजवादी व्यक्ति थे। Which animal hides during the battle of the cowshed? And answer is moli. Moli jo thi, wo battle of the cowshed mein chup jaate hai. To whom does Napoleon sell the farm's piled timber? Kise wo Napoleon kisko apne farm ka jo lakdi ka dher hai bech deta hai? And answer is Mr. Frederick.
How does Napoleon express his contempt for Snowball's windmill plan? वो विंडमिल के प्रति नेपोलियन अपना विरोध कैसे दर्शाता है? By urinating on them, वो उनके ऊपर urinate करके करके who reduced the idols of animalism to the phrase four legs good, two legs bad? कौन एनिमलिज्म के आइडियल आदर्शों को दो इस फ्रेज में व्यक्त कर देता है कि चार टांग अच्छी और दो टांगे बुरी? एंड आंसर इज स्नोबॉल। स्नोबॉल इसे रिप्रोड्यूस करता है। हु टीच द शीप टू चार्ट फोर लेग्स गुड टू लेग्स बेटर? और कौन भेड़ों को यह सिखाता है कि चार टांगे अच्छी दो टांगे बहुत अच्छी? आंसर इज स्क्विलर। स्क्विलर सिखाता है। What is sugar candy mountain? Sugar candy mountain क्या है? कि ये जो idea है कि ideal the idea of animal heaven propagated by Moses the raven. And next question is how many letters is boxer able to learn? Boxer कितने अक्षर सीख पाता है? Answer is four letters. Which of the pigs prove the best writer? Best writer कौन सा pig prove होता है? And answer is snowball. Which pig write the poem praising Napoleon? कौन सा pig Napoleon की प्रशंसा में poem लिखता है? An answer is Minimus. What does Napoleon rename Animal Farm in his toast at the end of the novel? Novel के end में Napoleon Animal Farm का क्या नाम रख देता है? An answer is the Manor Farm. And my last question for you is, with whom does Napoleon play cards at the end of the novel? नोवेल के एंड में नेपोलियन किसके साथ ताश खेलता है? आंसर इज मिस्टर प्लिकिंगटन। थैंक यू वेरी मच। विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। थैंक यू। हैव अ गुड डे।